जय हिंद साथियों, आप सभी का द विक्टेड आप स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के सिलेबस के बारे में, क्योंकि इसका सिलेबस इतना डाउटफुल बना दिया गया है, इतना डाउट हो गया है बच्चों के मन में कि वो क्या पढ़े उनको ही समझ में नहीं आ रहा। तो आज की वीडियो में मैं आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं सीआरपीएफ में क्या हुआ, सीआरपीएफ का सिलेबस पहले कुछ और था। मैं सीआरपीएफ की बात कर क्यों रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सीआरपीएफ का सिलेबस पहले कुछ और था, जैसे क्लैरिकल एप्टीट्यूड लिखा था, क्लैरिकल एप्टीट्यूड के बाद वहां पर जनरल एप्टीट्यूड लिख दिया गया। जनरल एप्टीट्यूड के बाद बहुत सारे मतलब बच्चों के मन में सवाल आ गए कि जनरल एप्टीट्यूड में आएगा क्या, किसी को भी नहीं पता था क्या आएगा। और जब आपको पता है कि जब एग्जाम कंडक्ट हुआ 22 तारीख को, तो आया क्या उसमें, जीके जीएस आया। वैसे ही बच्चों के मन में अब सवाल ये आ गया है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर ने जो क्लैरिकल एप्टीट्यूड दिया हुआ है सिलेबस में, क्या वो क्लैरिकल एप्टीट्यूड ही आएगा या उसके जगह पे आपका जीके जीएस आएगा। क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि जो आपको पता है कि बीएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर असिस्टेंटों का जो डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट थे जो बीएसएफ पे काम करते हैं, उन कैंडिडेट का जो एग्जामिनेशन हुआ उनके लिए भी सिलेबस सेम ही था, मगर उनके एग्जाम में आपका जीके जीएस पूछ लिया गया। तभी से बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करना चाहता हूँ ताकि अपनी तैयारी को आप अच्छा करो और इस बार सिलेक्शन ले सको, क्योंकि इस बार कंपटीशन आपको पता है कि बहुत कम हो चुका है। तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड की मैंने बहुत सारी क्लासेस आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी है, आप जिसको देख लेना। मगर मैं आपको एक राय ये दूंगा कि आप हमेशा अपने एक बैकअप प्लान को हमेशा तैयार रखें। बैकअप प्लान क्या होता है, जैसे कि जो आप क्लैरिकल एप्टीट्यूड पढ़ के जा रहे हो, बाय चांस बीएसएफ ने नहीं पूछा आपसे, उसका मूड चेंज, उसका कुछ और ख्याल आया मन में, उसने क्लैरिकल एप्टीट्यूड आपसे नहीं पूछा और जीके जीएस पूछ लिया, तब आप क्या करोगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप अपने बैकअप प्लान को तैयार रखें, क्योंकि जीके जीएस पढ़ना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इस बीएसएफ के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा तो किसी और एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना होगा, एसएससी जीडी कोई नई वैकेंसी आएगी तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आईटीबीपी के लिए पढ़ना पड़ेगा, किसी अदर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, तो उसको अभी से क्यों शुरुआत नहीं करना, अभी से शुरुआत करें, क्योंकि इस बार आपको कंपटीशन पता है कितना कम हो गया है, केवल 218,000 कैंडिडेट ही हैं, इतना कम कंपटीशन आपका। तो 218,000 में आपको पता है कितने बच्चे एग्जाम ड्रॉप करेंगे, कितनों को सिलेबस भी नहीं पता। तो ये मौका आपके लिए है, तो आप क्लैरिकल एप्टीट्यूड को तो पढ़ो, उतना ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि अपनी दिनचर्या में आप जीके जीएस को कर लो। अब जीके जीएस में क्या पढ़े, जैसा कि मैं बता दूं कि आप सेक्शन को डिवाइड करो, जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन यानी कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ आपके जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो, तो आप थोड़ा सा क्या करो कि हिस्ट्री में आपको जो दो तीन पार्ट है, जो भी आपके एंशियंट हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई और जो आपका मेडिवल हो गई, इन तीनों हिस्ट्री को पढ़ो। हिस्ट्री में देखिए, एंशियंट हिस्ट्री में ज्यादातर आपको पता है कि सभ्यता से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और जो मेडिवल हिस्ट्री होती है वहां पर ज्यादातर अकबर वाला जो काल होता है वहां से क्वेश्चन आते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में आप जहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, जो गांधी वाले क्वेश्चन होते हैं, गांधी से जो जुड़े होते हैं, गांधी जी से जुड़े होते हैं, आप उधर से क्वेश्चन पढ़ो। पॉलिटी में आपको पता है जो भी हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं, वो सब हमारे जो है उनसे ज्यादा पूछा जाता है, अनुच्छेद जो हो गए, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, यहाँ से अधिकार ज्यादा पूछते हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड पूछते हैं, प्रधानमंत्री से पूछते हैं। तो आप इसको ज्यादा पढ़ो, किस देश से क्या लिया गया है हमारे संविधान को बनाने के लिए, वहां से क्वेश्चन। ज्योग्राफी के क्वेश्चन अगर आपको पढ़ने हैं तो जैसे कि आपकी कौन से देश की राजधानी कौन सी है, आपको इस तरह से कौन सा देश सबसे गर्म है, कौन सा देश ठंडा है, इस तरह की चीजें, कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है, मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है, ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको जीके जीएस से पढ़ने चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही आप करंट अफेयर को भी देखते रहो, जैसे कि आपका क्लैरिकल एप्टीट्यूड, जैसे क्लैरिकल एप्टीट्यूड तो था ही, क्लैरिकल हटा दो, जैसे करंट अफेयर में मैं बात करूं तो आपका क्रिकेट से रिलेटेड कुछ डांस फॉर्म वगैरह जो आती, जो मतलब हाईलाइट चल रही हो, ठीक है, कुछ नृत्य वगैरह जो चल रहे हो, हाईलाइट चल रहे हो, उनको करंट अफेयर में डालो, कुछ जो अपने ट्रॉफी वगैरह चल रही हो, फुटबॉल मैच वगैरह चल रहे हो उनको देखो, कुछ जो अवार्ड चल रहे हैं उनको अवार्ड को देखो, इस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब मे बी ये पॉसिबल है कि आपके जीके जीएस अगर क्वेश्चन आ गए तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको यही राय देने वाला हूँ कि 218,000 के कंपटीशन को आपको क्रैक करना है,
और इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको ओवरऑल तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कि आपके क्लरिकल एबिलिटी तो आप पढ़ ही लो, उसके साथ आप जीके जीएस को भी साथ में लेकर चलो। मैं अभी छोटा मोटा मोटा आपको सिलेबस बताया हूँ, अभी मैं अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे सर फुल सिलेबस एकदम से अच्छे से डिस्क्राइब करो तो मैं पूरा फुल से डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं आपको छोटा सा ही डेमो दिया था। तो इस तरह से पढ़ने का तरीका है, आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर कहां से पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि जो प्रीवियस एग्जामिनर क्या होता है अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाता, वो कहीं ना कहीं से देखता है कि कहां से पूछे गए थे क्वेश्चन, तो उन्हीं टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको भी सेम वही माइंडसेट लेके चलना है और इस बार सिलेक्शन लेना है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। अगर आपको फुल सिलेबस चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फुल सिलेबस पे भी वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।